असल आई होप एवरी वन इज़ लिविंग अ हेल्थी लाइफ वेलकम फ्राम फ्यूचर कंसर्न ग्रामर स्कूल टुडे वी विल सी द डिफरेंट लेवल्स ऑफ पर्सनैलिटी विच आर नेम्ड एज इड ो एंड सुपर इको सिगमेंट फ्राइड इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस नीम्स इन साइकोलॉजी मॉडर्न साइकोलॉजी ने फ्राइड के बहुत से आइडियाज़ को अबेंडन कर दिया है लेकिन इसकी साइको अनालिटिक थ्योरी आज भी काफ़ी साइको डाइनमिक थ्योरीज की बेस है फ्राइड वाज़ द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कस द अनकॉन्शियस माइंड एंड इट्स रोल इन ह्यूमन बिहेवियर फ्राइड के मुताबिक कॉन्शियसनेस के तीन लेवल्स हैं फर्स्ट अनकॉन्शियस माइंड ये हमारी अवेयरनेस से बाहर एग्जिस्ट करता है सेकंड इज द प्री कॉन्शियस इसमें वो तमाम इन्फॉर्मेशन होती है जिसे हम करंटली अवेयर नहीं होते थर्ड इज़ द कॉन्शियस माइंड इट इज़ योर करंट स्टेट ऑफ अवेयरनेस इट कंसिस्ट ऑफ आवर था एंड परसेप्शन एंड मेक्स अप द टेन परसेंट ऑफ द साइकी प्री कॉन्शियस माइंड कंप्राइज़ ऑफ फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट ऑफ साइकी इट कंसिस्ट ऑफ मेमरीज उन मेमरीज को ईजीली रिकॉल किया जा सकता है फॉर एग्जाम्पल लास्ट वीकेंड मैंने क्या किया था आई कैन ईजिली रिकॉल इट रिमेनिंग थर्टी टू फोर्टी परसेंट साइकी इज़ द अनकॉन्शियस माइंड इसमें हमारी सारी रिप्रेस्ट मेमरीज स्ट्रेसफुल इवेंट्स और तमाम डिज़ायर्स स्टोर होती हैं मूव ऑन टू वर्ड्स द लेवल्स ऑफ पर्सनैलिटी आपने अक्सर कार्टून में देखा होगा वेन एवर द मेन करेक्टर इज़ कन्फ्रंटेड विद द चॉइस तो उसके लेफ़्ट शोल्डर, शोल्डर पर एक डेवल उससे बैड चॉइस अडोप्ट करने को कहता है और उसके राइट शोल्डर पर मौजूद एंजल उससे राइट चॉइसिस को ऑप्ट करने के लिए इनक्रेज करता है अब जो मेन करेक्टर है वो मिडल में स्टक हो गया है एंड ही इज़ फोर्स टू मेक अ डिसीजन ये सिनारी फ्राइड की पर्सनैलिटी थ्योरी से बहुत ज़्यादा मिलता है there are the three parts of personality id superego and ego ego is on the conscious level superego is on the preconscious mind and id is in the unconscious mind it develops first then ego and lastly superego In ab detail mein dekhte hai. first one is id id is the biological component of personality इड की मिसाल बिल्कुल उस डेविल की तरह है जो कार्टून के शोल्डर पे था जो कि हमेशा सेल्फिश और नीडी होता है इट वर्क्स ऑन द प्लेयर प्रिंसिपल इस प्रिंसिपल के मुताबिक इड ये डिमांड करती है कि मेरी तमाम नीड्स को अभी के अभी या फ़ौर पूरा किया जाए अगर इड की नीड्स को फौरी पूरा ना किया जाए तो टेंशन की स्टेट एग्जिस्ट हो जाती है फॉर एक्ज़ाम्पल अगर आप एक मीटिंग में हैं और आपको मीटिंग के दरम्यान में भूख लग गई है तो आपकी एड आपसे डिमांड करेगी कि फ़ौर खाना खा कर अपनी नीड को फुलफ़िल किया जाए अगर आपकी पर्सनैलिटी में इड डोमिनेंट है तो जब तक आप खाना नहीं खा लेंगे आप एक एंग्जाइटी या टेंशन की स्टेट में रहेंगे नेक्स्ट इज द सुपर ईगो इसकी मिसाल ए उस एंजल की सी है जो मेन करेक्टर के राइट शोल्डर पे था और सुपर ईगो हमेशा कंसर्नड होती है कि कौन सा बिहेवियर सोशली एक्सेप्टेबल है इट बेसिकली आइडेंटिफाइज वॉट इज सोशली राइट और रॉन्ग इट प्रोवाइड्स द स्टैंडर्ड्स फॉर जजमेंट्स और ये मोरालिटी प्रिंसिपल पर वर्क करती है थर्ड इज़ द ईगो पर्सनैलिटी में ईगो इज़ द कंपोनेंट विच मेक्स डिसीजन इट इज़ अ मॉडरेटर ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे वर्क करती है और इसके मुताबिक इड की तम तमाम डिज़ायर्स को सोशली अप्रोप्रिएट और रियलिस्टिक वे में सेटिस्फाई होना चाहिए अगर मीटिंग वाले एग्जांपल को कंटिन्यू किया जाए तो उसमें एड डिमांड करेगी कि फ़ौर खाना खाया जाए लेकिन ईगो एक्ट करते हुए ये कहेगी कि मुझे चुप करके बैठ जाना चाहिए और मीटिंग के एंड होने का इंतज़ार करना चाहिए ताकि मैं सबके साथ खाना खा सकूं। अकॉर्डिंग टू फ्राइड इड इज़ दॉर्स एंड ईगो इज द राइडर अगर ईगो इड की डिमांड्स को फ़ौर पूरा कर दे तो सुपर ईगो ई ईगो को गिल्ट की फीलिंग्स के जरिए पनिश करती है फॉर एग्जाम्पल अबव एग्जाम्पल में इड कह रही है दैट यू शुड लीव द मीटिंग एंड गेट समथिंग टू ईट फर्स्ट और अगर ईगो इड की डिमांड पूरी करने के लिए रेडी हो जाए या इड डोमिनेंट हो जाए और आप मीटिंग छोड़कर खाने के लिए चले जाएं तो इस सिचुएशन में सुपर ईगो एक्ट करेगी आपके माइंड में थोड़ी देर बाद ये थॉट्स आएंगी कि सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे मुझे इस तरह मीटिंग छोड़कर नहीं आना चाहिए था दीज था आर द रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ सुपर ईगो सुपर ईगो विल कॉज द फीलिंग्स ऑफ गिल्ट इन तीनों में कॉन्फ्लिक्ट इंगज़ाइटी का सबब बन सकता है और उस एंग्जाइटी को कम करने के लिए इंसान डिफरेंट डिफेंस मेकेज़म्स शो करता है सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दीज थ्री लेवल्स ऑफ पर्सनैलिटी टू वर्क इन हारमनी इन ऑर्डर टू बिहेव इन सोशली एक्सेप्टेबल एंड रियलिस्टिक वे दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज़ टॉपिक टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ अल्लाह हाफिज़ मजीद वीडियोस देखने के लिए एफ़ सी स्कूल सरगोदा के नाम से मौजूद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अपलोड होने वाली हर वीडियो आपको टाइम पर मिल सके शुक्रिया